नमस्कार जोहार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मनजीत इस वक्त सिद्धगोड़ा के JNSC का जो यार्ड है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और बता दें कि JNSC का जो स्टाफ है, JNSC के तरफ से जो गाड़ियाँ चलती है, कचरे की गाड़ियाँ या पानी टैंकर, बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो चलती है, उनके द्वारा कुछ समस्या आज हुई है और उस समस्या को आज बताने आए हैं और दिखाने आए हैं कि ड्राइवर लोग हैं यहाँ पे और ड्राइवर के साथ ऐसी कुछ घटनाएं हुई है जो आज ये लोग हड़ताल पे हैं और क्या कारण से हड़ताल पे हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है, क्या रीज़न है जो आज पूरी गाड़ियों को खड़ा करके इकट्ठा हो करके इतने सारे ड्राइवर जो हैं ये पूरे तरह से हड़ताल में हैं और अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है। थैंक यू। क्या मामला है आज? मामला यही है कि मैं JNSC का ड्राइवर हूँ, सरजू राय का बड़ा वाला टैंकर मैं चलाता हूँ। मेरा टैंकर सोन मंडप में खड़ा है, जो बाल दिवस हुआ तो उस समय से सैटरडे से खड़ा है। कल मैंने कुछ काम से घर गया था तो मुझे फ़ोन आया कि आपका गाड़ी का चोरी हो रहा है। तब मैंने आया, देखा तो वहाँ सोन मंडप का गार्ड लोग पकड़ के उसको रखे थे। उसके बाद हम लोग से हाथ छुड़ा के भागते समय, दीवार फांदते समय गिर गया, चोट लगी है। हम लोग उसको बांध के रखे थे और थाना के हवाले कर दिए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ आगे की कार्रवाई? उसके बाद यही हुआ कि आज सुबह करीब आपको 9 बजे चोर का बड़ा भाई आके यहाँ धमकी दिया ड्राइवर लोगों को कि जो ये किया है उसको देख लेंगे, उसको मारेंगे। और हम लोग JNSC को भी आगाह किए थे, उन लोग भी आए, चोर 2-3 जगह लेके गया टाल में, वहाँ से माल बरामद नहीं हुई। तो मैंने शाम 6 के लगभग उसको थाना के हवाले किया, थाना वाला उसको लेके गई है। अभी थाना का कार्रवाई कर रही है, JNSC का कार्रवाई करने के लिए लिख के दिए या फायर किए कि नहीं किए वो हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग को धमकी वाला मिल रहा है, धमकी कि आप लोगों को मारेंगे। अभी हम लोग 8 घंटा ड्यूटी करके जाएंगे, रास्ता में छेक के हमको मारेगा, उसका दायित्व कौन लेगा? इसलिए हमको आग्रह है कि JNSC इसके बारे में कुछ कार्रवाई करे या उसको FIR करके जेल भेजे, तब जाके उसका मनोबल टूटेगा। तो JNSC को आपने शिकायत किया तो थाना को भी तो ये शिकायत कर सकते थे पुलिस को कि हाँ हमारे साथ ऐसा किया गया जो हमने नहीं। धमकी तो अब सुबह मिली है, अभी आप लोग आए थाना में बड़ा को बोलेंगे सर ऐसा ऐसा बात है, यहाँ आए दिन चोरी होते रहता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? चोर पकड़ाया तो चोर, नहीं तो ड्राइवर बन जाता चोर, यही होता है यहाँ। क्या इससे पहले भी कभी चोरी हुई है? हाँ, इसके पहले हुई है। क्या क्या चोरी हुई है? बैटरी, टोटो का बैटरी, 18 बैटरी गेम हुई है। चोर पकड़ाया था। उसमें क्या कार्रवाई हुआ? उसमें JNSC उसको सिद्धगोड़ा थाना रिपोर्ट कर दिया। अभी थाना से उसको FIR JNSC की कि नहीं की, वो थाना से अपने जानकारी ले लीजिए। तो यहाँ पर और क्या दिक्कत होती है? यहाँ दिक्कत यही होती है कि यहाँ का थोड़ा ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं, मेन है चोर का दिक्कत है। क्योंकि यहाँ सब 20-25 को ड्राइवर है, यहाँ सामान चोरी होता है, 2 गार्ड है, गार्ड भी देखते हैं लेकिन चोर को पकड़ते हैं तो JNSC के हवाले करते हैं, JNSC थाना के हवाले करती है। थाना क्या एक्शन लेती है वो तो हम लोग को मालूम नहीं, और आए दिन चोरी होते रहता है। तो किस तरह का चोरी करता है चोर, कौन सा सामान? जैसे यहाँ आपको बैटरी चोरी हो गया, टायर चोरी हो गया, स्टेपनी चोरी हो गया, गाड़ी का पार्ट चोरी करता है। कभी पकड़ा गया या उस सामान रिकवर हुआ है? कभी सामान कभी रिकवर नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो 2 बैटरी हुआ होगा, 18 बैटरी जो मेरे नॉलेज में 18 बैटरी गेम हुआ, अभी तक रिकवर नहीं हुआ। 1800 बैटरी किसका हुआ, कौन सा गाड़ी का? टोटो का हुआ है। कौन जो ये? हाँ, ये टोटो जो लगा हुआ है। कितना गाड़ी टोटो है यहाँ पे? 31 गाड़ी है। 31 गाड़ी, ये क्या बटने के लिए आया या? ना, ये देखिए सरकार का के लिए भेजी है, हम लोग को तो नॉलेज नहीं है। चल रही है या सिर्फ ऐसे ही? ना, गाड़ी खड़ी है। कितने दिन से यहाँ पे? लगभग लगभग 5 महीना। 5 महीना से गाड़ी खड़ी है जी, JNSC के यार्ड में खड़ी है। JNSC के यार्ड में खड़ी है। तो सिर्फ अभी इस गाड़ियों की बैटरी चोरी हुई है? पुराने स्क्रैप वगैरह भी चोरी होता है यहाँ से? हाँ, स्क्रैप चोरी होता है लेकिन उसका तो कोई संज्ञान नहीं रहता बैटरी, क्योंकि गाड़ी आज न कल जाने वाली है, उसकी गाड़ी है इसलिए इसका पता चल जाता है। रही बात कल का चोर का, कल का चोर सोन मंडप में पकड़ाया, क्योंकि वहाँ बाल दिवस में शनिवार से गाड़ी खड़ी थी, मंडे तक प्रोग्राम था, तो गाड़ी किस भी कारणवश ब्रेकडाउन हो गई, इसलिए गाड़ी अभी तक वहाँ खड़ी है। वो क्या गाड़ी है? वो पानी टैंकर है, पानी टैंकर विधायक सरजू राय जी के द्वारा प्रदत्त किया गया है JNSC को। अच्छा। उसी का पार्ट्स चोरी करने आया था चोर, पार्ट्स तो खोल नहीं सका लेकिन चोर पकड़ा गया। चोर पकड़ा गया।
उसके बाद यही कि आप लोगों ने उसको पुलिस के हवाले शाम 6 बजे कर दिए। जितना गार्ड लोग वहाँ के पकड़े हैं, हाँ वहाँ के गार्ड पकड़े थे। उसके बाद हम लोग का यहाँ का गार्ड गया, हम लोग गए उसको लेके आए यहाँ, फिर यहाँ उसको बुला करके, फिर थाना को बुला के शाम को उसको हैंडओवर कर दिया। तो अभी मुख्य जो मांगे हैं, मतलब क्या मांग यही है कि जो उसका बड़ा भाई आके धमकी दे रहा है कि ड्राइवर लोगों को देख लेंगे, 8 घंटा ड्यूटी करता बाहर, कब नहीं निकलेगा। हम लोग को यही मांग है कि JNSC को इसके बारे में कार्रवाई करे, या जो चोर पकड़ा है उसको चालान करे, तब जाके किसी का मनोबल टूटेगा, या फिर पुलिस, या पुलिस इसके बारे में हम लोग को कुछ सोचे। इससे ज़्यादा तो हम लोग तो ड्राइवर हैं। तो क्या लगता है कि अगर JNSC का अधिकारी कोई नहीं आता तो थाना जाइएगा या सिर्फ? JNSC का अधिकारी आता है तो ठीक है, तो अधिकारी के साथ थाना जाएंगे। हम लोग अकेले जाएंगे तो हम लोग को तो पहचानेंगे नहीं, परिचय देंगे तभी पहचानेंगे। इसलिए उनके आने के बाद आपके साथ अगर घटना होगी, आपको अगर कोई जान वाल का धमकी देगा तो थाना तो आपका जाना कर्तव्य है। जाने पहले तो अपना ऑफिस को नाम इत्तला करेंगे, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। ऑफिस वाले नहीं आते हैं तो आप क्या? नहीं आते तो तब उसमें सब ड्राइवर मिल के जाएंगे, तब आप लोग थाना जाएंगे वहाँ जाकर संज्ञान देंगे, ऐसा ऐसा बात है। अभी कितने लोग यहाँ पे स्ट्राइक में बैठे हुए? अभी हम लोग मोटा मोटी आपको 35-40 को गाड़ी का ड्राइवर है। ये आज से ही है हड़ताल में? आज है, मैंने आपको मोटा मोटी 1 घंटा हो रहा है। यहाँ पर ये कौन कौन से गाड़ी चलाने वाले लोग हैं? यहाँ छोटा आती है कचरा, डोर टू डोर वाला है, पानी टैंकर है। तो आज इसके बाद फिर स्ट्राइक में तो फिर जाएगा नहीं कहीं कोई ना? आज तो यदि साहब लोग आके कुछ उसका निदान करते हैं तो जाएगा। खबर कर दिए हम लोग साहब को, इत्तला कर दिए। मामला सर, हम जब से आए तब से डेली 1-2 दिन 3 दिन छोड़ के चोरी हो रहा है। हम लोग बहुत इनको बहुत देखे, बहुत बार इनको समझाए, दो तीन बार पकड़े भी, एक बार इसका पहले भी थाना में दिए, दूसरा दिन छूट के आ गया। इसका मन बढ़ गया सर, इसको डर भय है नहीं। इसका पहले भी समझाया, बाबू मत करो ऐसा काम, गलत काम है मत करो। काम चाहिए, हम लोग काम दे देंगे, यहाँ पे काम बहुत है, मैं उसको काम करने की इच्छा नहीं। एक हमारा स्टोर रूम है, उसमें करीब 1.5-2 लाख का सामान है, एक एक करके आज स्टोर खाली हो गया सर, पूरा खाली कर दिया। तो आखिर कहीं ना कहीं आप पे भी जिम्मेदारियाँ आती हैं? इसीलिए हम लोग का पैसा कट रहा है, हम लोग का जो है पेमेंट से पैसा कट रहा है कि हम लोग को देखना, हम लोग कितना देख पाएंगे बताइए। यहाँ बहुत 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 प्रॉब्लम है सर, एक गार्ड दो गार्ड हम लोग सिर्फ है, दो गार्ड में पूरा इतना बड़ा इलाका हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं। बड़े अधिकारी से बताएं, हम लोग खबर किए हैं, वो भी आए हैं, वो भी देखे हैं। इसका आगे जब इसको पकड़े थे तो हमारा जो सीनियर है सुपरवाइजर, वो आए थे, वो आके ले गए थाना में, देखे बात हो तो उस समय उसके भाई भी आए थे, यही भाई आए थे जो अभी धमकी दे के गए थे उस समय आए थे। तो हम लोग को बताया कि देखिए ऐसा ऐसा करता है, काम करने में डर भी लगता है? एकदम डर लगता है सर, डर क्यों नहीं लगे सर, यहाँ पे रात के समय बहुत डर है सर, कब क्या आ जाएगा, एक आदमी अकेले यहाँ पे रहना है, अकेले रहना पड़ता है सर, डर तो है, डर किसको नहीं सर। ड्यूटी छुट्टी करके जाएंगे, ऐसे हम लोग 8-8:30 बजे रहते हैं, फिर सर उस समय कुछ 4 लड़का मिल के मार दिया, कुछ कर दिया तब। सर कितना गार्ड है इस यार्ड में? बस इस यार्ड में सर हम लोग 4 है सर, दिन में 2 रात में 2। रात में 2 रहते हैं? हाँ, यानी 2 के भरोसे ही पूरा जिम्मेदारी, पूरे यार्ड की जिम्मेवारी है। सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं है सर, कोई लाइट अभी जाके फिलहाल लाइट थोड़ा सुधर गई, लाइट बहुत अच्छी हो गई है, मगर कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई मतलब दीवार से भी छोटा छोटा आराम से कूद के उस पर आ जाते हैं, इधर से कूद करके आ जाते हैं। इधर ग्रिल था सबको टेढ़ा कर दिया, अभी भी ग्रिल यानी कहीं ना कहीं आप पे भी खतरा बनी रहती है? एकदम बनी रहती है सर, हम लोग आँख बंद करना मुश्किल है सर यहाँ पे, कि आदमी चलिए 12 घंटा कम से कम थोड़ा आँख बंद भी कर ले तो नहीं कर सकते सर। इतना हम लोग को भय इतना हो गया है, इतना क्योंकि कम बहुत बैटरी चोरी हुआ सर। कितना देर का ड्यूटी रहता है यहाँ? हमारा 12 घंटा का ड्यूटी करते हैं, 12 से ओवर हो जाता है। दो आदमी का ड्यूटी है? हाँ, दो आदमी एक गेट पे रहते हैं जो इन आउट कराते हैं गाड़ी को, यानी कि 4 आदमी के भरोसे 24 घंटे यहाँ की सुरक्षा है। यस सर आप लोग कौन सा सिक्योरिटी से हैं? हम लोग 24/7 सर, 24/7। धन्यवाद।